डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का दौरा किया और विंध्याचल मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद भी लिया। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री का विंध्याचल दौरा खास था। हेलीकॉप्टर से विंध्याचल पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। माता विंध्य कॉरिडोर योजना का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार का संकल्प है कि जिस तरह अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम बनाया जा रहा है, ठीक वैसी ही तैयारी विंध्याचल धाम के लिए भी की जा रही है। और इसलिए सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। विंध्य कॉरिडोर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 331 करोड़ रुपए से विंध्य धाम का विस्तारीकरण किया जा रहा है। विंध्य धाम में अहरोरा के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। माँ के दरबार में 1941 लाख में 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। 902 लाख रुपए में पक्का घाट गली पर खर्च किए जा रहे हैं। 205 करोड़ की लागत से कोतवाली रोड का कायाकल्प किया जा रहा है। फिलहाल परिक्रमा पथ पर 130 पिलर बनकर तैयार है। अब तक माँ विंध्यवासिनी के धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परेशानी होती थी। मामूली सुविधाओं के लिए भी उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। सरकार का दावा है कि अब ये सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। प्रयागराज में जिस सरकारी जमीन पर कभी अपने आतंक के दम पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था, आज उसी जमीन पर बनाए गए फ्लैट्स को निम्न आय वर्ग के लोगों को सौंप दिए गए। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में जिस जमीन पर ये 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, उस जमीन पर कभी माफिया डॉन अतीक अहमद ने कब्जा करके रखा था, लेकिन योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जमीन से अतीक का कब्जा हटाकर यहां पर पीएम आवास योजना के तहत जो फ्लैट्स बनाए उन्हें लॉटरी प्रक्रिया के तहत अब गरीबों को आवंटित कर दिया गया। इसमें सारी आधुनिक व्यवस्थाएं, पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है और यहाँ के जो लोग हैं उनके अपने कुछ प्रोग्राम करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, क्या ऐसा कोई उनका प्रोग्राम हो उसके लिए इसके टॉप फ्लोर पर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, जाकर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। इन 76 फ्लैट्स के लिए आरक्षण के तहत कुल 1590 आवेदन को मंजूरी दी गई थी। लॉटरी प्रक्रिया के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में सभी आवेदकों को बुलाया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी निकाली जाने लगी और अपने नाम का ऐलान होते ही फ्लैट पाने वाले भावुक हो गए। महत्वाकांक्षी योजना इसलिए है क्योंकि माफिया के कब्जे से खाली करी गई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने की ये जो योजना है उस तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है और सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट गरीबों को दिए जा रहे हैं। लूकरगंज में पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट पाने वालों ने घरों का आवंटन होने पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का आभार जाहिर किया, क्योंकि ये लोग अब तक जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे लेकिन अब इन लोगों के सिर पर अपनी छत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।